वेलकम टू ज़ायका जिंदगी। मैं फतकवर हाजिर हूँ आपके साथ एक और बहुत यमी रेसिपी शेयर करने के लिए। आज हम बनाएंगे बहुत चीजी और बहुत डिलीशियस से पिज्जा फ्राइज। ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह कितना जबरदस्त है, चेक कीजिए कितना चीजी है। ये देखिए कितनी चीजी हैं, कितना जबरदस्त टेक्सचर है इनका और टेस्ट में बहुत यमी, बहुत डिलीशियस, बहुत चीजी। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप न्यू हैं या आपने अब तक हमारा चैनल ज़ौक़ ज़ायका जिंदगी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ और नोट करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। चीजी पिज्जा फ्राइज के लिए हम पहले तैयार करेंगे फ्राइज, जिसके लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज के आलू। आलू को हम इस तरीके से काट लेंगे। आप इसको अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग थिक या थिन कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर लेंगे हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून और फ्राइज को डीप फ्राई करने के लिए हमें चाहिए ऑयल। चिकन का मिक्सचर बनाने के लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन 200 ग्राम। चिकन के हमने इस तरह से स्मॉल पीसेस कर लिए हैं। चिकन टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून, आप इसकी जगह चिकन तंदूरी मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक पाउडर 1/2 टी स्पून, लहसुन पाउडर 1/2 टी स्पून, आप चाहें तो इसकी जगह अदरक और लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1/2 टेबल स्पून। पिसी काली मिर्च 1/2 टी स्पून, नमक 1/2 टी स्पून, नींबू का रस 1 टी स्पून, सोया सॉस 2 टी स्पून, चिली सॉस 1 टी स्पून। अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे इन तमाम स्पाइसेस, लेमन जूस, सोया सॉस और चिली सॉस के साथ। चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है, अब हम रखेंगे इसे फ्रिज में 1/2 आवर के लिए ताकि स्पाइसेस का फ्लेवर चिकन के मीट में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। चिकन का मिक्सचर रेडी करने के लिए हम एक कढ़ाई के अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे। ऑयल गरम हो गया है, अब हम डालेंगे इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन। आप इसे यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मज़ीद स्पाइसी कर सकते हैं। तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं, चिकन फ्राई हो गया है, इसमें कलर आ गया है। अब हम फ्लेम को करेंगे लो और इसे हम ढक देंगे तकरीबन 4 मिनट के लिए। ये देखिए 4 मिनट हो गए हैं, चिकन हमारी रेडी है, टेंडर हो गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चिकन पे देंगे हम कोयले का धुआं, उसके लिए हमने कोयले को गर्म कर लिया था। कोयले को हमने रखा है इस तरीके से एल्युमिनियम शीट के अंदर, अगर आपके पास कोई कटोरी है तो उसमें रख लीजिए। इसे हम डालेंगे थोड़ा सा घी और इसे हम ढक देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। बस अब ये रेडी है, इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। एक पैन में हम पानी लेके इसे मीडियम फ्लेम पे बॉइल कर लेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे हम ये फ्रेंच फ्राइज। फ्राइज को हमने मीडियम फ्लेम पे बॉईल करना है और इसे हमें तकरीबन 70% तक कुक कर लेना है। ये देखिए 7 मिनट्स में हमारे फ्राइज इस तरह से गल गए हैं, यानी ये 70% तक कुक हैं, बहुत ज़्यादा नहीं गले हुए हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हम इसका सारा पानी डिस्कार्ड कर देंगे। फ्रेंड्स, फ्राइज का सारा वाटर डिस्कार्ड करने के बाद हमने एक बड़ी डिश में टिश्यू पेपर रखा और उससे हमने फ्राइज को अच्छी तरह से फैला दिया ताकि फ्राइज कूल डाउन हो जाए और इसका मॉइस्चर टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाए। अब हम इस पे से ये टिश्यू रिमूव कर देंगे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे कॉर्नफ्लोर। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंच फ्राइज पे हमने अच्छी तरीके से कोट कर लिया है कॉर्नफ्लोर को। एक कढ़ाई में हमने ऑयल लेके इसे हमने मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह गरम कर लिया है। अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर फ्राइज। इस तरह रखवाने पड़ेंगे, आपने फ्लेम को रखना है मीडियम टू हाई क्योंकि ये ऑलरेडी गले हुए हैं, तो हमें सिर्फ इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के दौरान ये जो 30% रह गए थे वो भी अच्छी तरह गल जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर कलर आ गया है लाइट सा, गोल्डन सा। फ्लेम को हम कर देते हैं ऑफ। इसे हम कर लेंगे स्ट्रेन, फिर सारा ऑयल हमने बाहर निकाल देना है
और इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे क्रिस्पी फ्राइज रेडी है। अब हम असेंबल कर लेते हैं पिज्जा फ्राइज को। पिज्जा फ्राइज को असेंबल करने के लिए आपको चाहिए मोजरेला चीज 1.5 कप शेड किया हुआ, चेडर चीज 1/2 कप शेड किया हुआ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। व्हाइट पार्सले 1/2 टीस्पून, ऑरिगेनो 1/2 टीस्पून, क्रश रेड चिली 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास ड्राई पार्सले नहीं है तो आप इसकी जगह हरा धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं चॉप करके। केचप और मेयोनीज हस्बी जरूरत। मशरूम स्लाइस किए हुए 2 टेबल स्पून, शिमला मिर्च 2 टेबल स्पून, ऑलिव्स 2 टेबल स्पून। एक डीप बाउल में हम लेयर लगाएंगे फ्राइज की। अब हम फ्राइज पे स्प्रिंकल करेंगे चेडर चीज। अब हम इसके ऊपर डालेंगे मेयोनीज और केचप। अब हम इसपे स्प्रिंकल करेंगे ऑलिव, मशरूम और शिमला मिर्च। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे चिकन की लेयर। अब हम इस पे टॉपिंग करेंगे मोज़रेला चीज की। अब हम इसके ऊपर रिमेनिंग ऑलिव्स, मशरूम्स और कैप्सिकम रखेंगे। लास्ट में हम इस पे स्प्रिंकल करेंगे चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और पार्सले। अब इसे हम 10 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड में ओवन में बेक कर लेंगे। हमें इसे बस चीज के मेल्ट होने और इसके ऊपर एक गोल्डन कलर आने तक बेक करना है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर सकते हैं, या फिर आप पिज्जा फ्राइज को एक पैन में असेंबल करके इसे मीडियम टू लो आंच पर रख के दम दे दीजिए, उससे इसकी चीज मेल्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, हमारे बहुत चीजी, बहुत डिलीशियस पिज्जा फ्राइज सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसका लुक देखिए, कितना अपीलिंग है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक और यम्मी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।